पर रखना मेरी जान, माँ कसम नजारा बदल देंगे। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है R15 मॉन्स्टर वर्जन। तो आज मैं उसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं आपको फुल डिटेल दूंगा R15 मॉन्स्टर वर्जन के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी इसके फ्रंट साइड से आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मिलता है एक हेडलैम्प, और फिर यहाँ पे फ्लाईओवर स्क्रीन, मॉन्स्टर एनर्जी का बैजिंग मिल जाता है, और फिर यहाँ पे मॉन्स्टर का लोगो मिल जाता है, और फिर यहाँ पे ENEOS लिखा हुआ मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे LED DRLs हमको मिल जाता है, और साथ ही साथ इधर गोल्डन सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल लगता है, और डिस्क ब्रेक ABS कंट्रोल के साथ मिलता है। और ये फिर हमारा साइड इंडिकेटर है, साथ ही साथ इधर R15M का बैचिंग मिल जाता है, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर का लोगो मिल जाता है। और साथ ही साथ अब इधर आगे बात करें तो ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे सारा कंट्रोल जो हमारा मीटर्स है सारे डिजिटली दिया हुआ है। और इसको साथ ही साथ इसका एक कमाल का फीचर ये है कि आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल और मैसेज एक्सेस कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सारा सब कुछ डिजिटली है, और यहाँ पे गियर का बताता है, और ये साथ ही साथ हजार लाइट ऑन है तो उसका बता रहा है। और यहाँ पे देखो ये कितनी अच्छी लगती है R15M की बैजिंग जो दोनों दिया है, काफ़ी बाइक को एक अलग ही लुक देता है। और इसका चाबी थोड़ा ऐसा है, कुछ मतलब प्रीमियम उतना नहीं लगता है, यामाहा को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए था, चाबी को थोड़ा प्रीमियम बनाना चाहिए था। 2,18,000 लेते हैं तो कुछ तो करना ही चाहिए था। और साथ में साथ यहाँ पे फिर से आपको वहाँ के साथ साथ मॉन्स्टर का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे फिर वाईफाई का, जिससे आप बाइक को कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई का लोगो है। और ये हमारा फ्यूल टैंक है। और फिर बात करते हैं यहाँ पे ये किल स्विच के साथ साथ इसमें सेल्फ भी है, तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इधर नीचे दबाएंगे तो ऐसे स्टार्ट हो गई बाइक हमारी, और फिर यहाँ से ऐसे स्टॉप, किल स्विच का भी काम करता है, सेल्फ का भी काम करता है। तो इधर इधर ये हमारा हजार लाइट का है, और ये ट्रिप इन्फो के बारे में बताता है ये वाली की। और फिर इधर आता है ये हेडलैम्प का है, और ये साइड इंडिकेटर का है, और ये हॉर्न है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का। गाइस आपको एक बात और बता दूं कि अभी जल्द ही हम सबने इस बाइक को गिरा दिया था, और ये देखिए तो और इधर साइड में आइए, इधर इधर ये है हमारा ब्रेक का पैडल, और फिर ये काफ़ी एरोडायनामिक है, जो कि बाइक को एक अलग ही लुक देता है, देखने में काफ़ी कमाल का है। और ये हमारा है इंडिकेटर, ये टेल लाइट है हमारा बाइक का। और फिर अब इधर आके बात करते हैं, तो इस बाइक की एक सबसे अच्छी बात और ये है कि इसमें क्विक शिफ्टर है, मतलब बिना क्लच लिए ही हम गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। और इधर इधर से देखिए आप, आइए इधर कैमरा इधर करना, और ये देखिए ये हमारा है गियर शिफ्ट करने का। और इधर ये साइड प्रोफाइल, इस साइड का ये कुछ किस तरीके से दिखता है। ये इस अभी बाइक के बारे में इतना कुछ जान ही लिए, तो अब इसका माइलेज भी जान लेते हैं, कि जो इन भाई की बाइक है, मेरे काफ़ी जिगरी दोस्त है, तो बताओ भाई माइलेज कितने की दे देती है। कंपनी तो क्लेम करती है 45 to 48 की, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब मैंने चलाया इस बाइक को तो मतलब 42 to 44 के राउंड देती है। और ऐसे रोडों पे कैसा दे देती है? ऐसे रोडों पे 42 दे सकती है, जैसे अगर हाईवे हो तो वहाँ पे 44 दे सकती है। और जैसे इस बाइक के बारे में कुछ मिथ है, जैसा कि मतलब इसको लंबी राइड पे नहीं ले जा सकते, चलाने में काफ़ी अनकम्फर्ट फील होता है, तो आपको कैसा लगा? मुझे तो चला के बाइक काफ़ी अच्छी लगी। आप ऐसा कुछ नहीं है, अभी पहला जो V3 मॉडल आता था उसमें होता था ऐसा, लेकिन ये V4 वर्जन है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसमें थोड़ी डिफिकल्टीज तो होती है पहले, मतलब शुरू में, लेकिन अगर डेली चलाया जाए तो मतलब थोड़ी दिक्कत होती है। और जैसा कि एक मिथ और है कि मतलब इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, तो गांव की सड़कों पे ब्रेकर पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको ले जाना, तो बताना चाहोगे व्यूअर्स को कुछ इसके बारे में? होता है थोड़ा बहुत, जैसे अगर जैसे
रूरल एरियाज है तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है, नहीं तो ऐसी कुछ बात नहीं है। बढ़िया चलती है बाइक, स्मूथ चलती है काफी। और गियर शिफ्टर तो है इसमें, सबसे खास बात है गियर शिफ्टर इसमें। और ये सबसे वर्जन 4 की लेटेस्ट मॉडल है, जो मतलब यहाँ पे हमारी सिटी में तो अभी तक नहीं आई, सिर्फ एक ही थी जो हमने बुक कर ली थी पहले ही, तो अभी तक नहीं आई है कोई। अब देखते हैं कब तक आती है फिर। तो ये ऑन रोड प्राइस का कितना पड़ा था भाई? ये देखिए, इसकी ये जो स्टॉक है इसकी बहुत शॉर्टेज थी, तो अगर ये आपसे 220 भी ले सकते हैं या मुझे तो पड़ी थी 2,18,000 की, लेकिन आपकी सिटी में कैसा वो शॉर्टेज इस बाइक की ना बात ही है। हाँ, तो आप अपने शोरूम पे पता कर सकते हैं इसके बारे में, क्या ही बताऊँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी एक प्यारा सा कर देना, और ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो शेयर भी कर देना दबा के। क्या करना है, एक के बटनियाँ तो दबाना है।